लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल मेडिटेशन लेकर आई हूँ टू क्लीन योर ऑरा। हम बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, सुबह से बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाम तक एक ऐसा समय आ जाता है या सब कुछ होते होते भी कुछ एक चीज़ अगर खराब हो जाती है तो हमारी एनर्जीज खराब हो जाती हैं। हम और ज़्यादा नेगेटिव बनना शुरू कर देते हैं, हम और ज़्यादा परेशान होना शुरू कर देते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रेयर लेकर आई हूँ इन अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। जब आपको लगता है कि मैं बहुत नेगेटिव फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मैं अच्छे खासा महसूस कर रहा था या कर रही थी और एकदम से ये नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये मेडिटेशन मैंने आपके लिए पोस्ट कर दिया है। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको नेगेटिविटी फील होती है आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। वैसे अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है रितिका गुप्ता, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और टैरो कार्ड रीडर हूँ, जो डेली बेसिस पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करती हूँ। डेली रोज़ सुबह और दोपहर को मेरी टैरो कार्ड रीडिंग्स के वीडियोस पोस्ट होते हैं और रात को 8 बजे आप सब लोगों के लिए मैं रेमेडीज़ का वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा योगदान, छोटा सा सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देगा और आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं रोज़ वीडियोज़ लेकर आऊँगी। आप इस मेडिटेशन को पीरियड्स में भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी एक पूरी फॉर्मेट में आना चाहते हैं तो आज से शुरू कर दो, रोज रात को सोने से पहले 21 डेज तक रोज करना है, 21 डेज तक रोज करना। अगर आपको लगता है मैं बहुत एंशियस हो रही हूँ, मैं बहुत ओवरथिंक कर रही हूँ, मेरे अंदर सेल्फ लव ही नहीं है, मेरे अंदर खुद से प्यार करने वाली एनर्जी नहीं है, मैं दूसरों को करने में लग गई हूँ, मैं खुद को ठीक ही नहीं कर पा रहा हूँ या खुद को ठीक ही नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको इसको मैंडेटरी करना चाहिए। अब इस मेडिटेशन के थ्रू हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई विश के लिए है, नहीं बाबा, हम अपने आप को खुश रखने के लिए, हम अपने आप के अंदर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए इस मेडिटेशन को कर रहे हैं। इसका फॉर्मेट ये रहेगा, अगर आप इसको रोज करना चाहते हैं 21 डेज तक रोज करेंगे। अगर बीच में एक दिन मिस हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन से फिर स्टार्ट कर दो, पीरियड्स में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों के लिए जो एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं, मैम अच्छा लग रहा था, सडन में डाउन हो गए, सडन में नेगेटिव फील करने लग गए जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई, तो उस केस में भी आप इस मेडिटेशन को कभी भी कर सकते हैं। कोशिश करें ये खुद के लिए करें, कोशिश करिए खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए करें। इसमें मैंने हो अपोनोपोनो प्रेयर भी बोली है, जिससे जो भी ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं वो आपके ऑटोमेटिकली हील हो जाए। चलिए बढ़ते हैं मेडिटेशन की तरफ और अपने आप को और अपने ऑरा को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट द मेडिटेशन। आप सब लोग अपने आईज क्लोज कर लीजिए, कंफर्टेबल पोजिशन में बैठ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं आज का मेडिटेशन। इस मेडिटेशन की हेल्प से हम अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पॉजिटिव हो जाए कि जो हम इच्छा रख रहे हैं, जो हम विश पूरी करना चाह रहे हैं वो पूरी हो जाए। आप इस मेडिटेशन को कभी भी कर सकते हो, जब आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको बहुत ही ज़्यादा एन्जाइटी फील हो रही हो, डेफिनेटली यू कैन डू दिस मेडिटेशन। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। नाउ हम सब लोग हमारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे, अगर हमसे कोई पास्ट में मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से हम ये कार्मिक ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, तो हम उससे सबसे पहले रिलीज हो जाएं। आईज क्लोज करें, अपने जो भी भगवान हैं जिनकी आप पूजा करते हैं उनका ध्यान करें और मेरे साथ आप सब लोग मनी मन बोलें। आई एम सॉरी
प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू. नाउ जस्ट इमेजिन, एक बहुत ब्यूटिफुल पिंक लाइट आपके ऊपर आ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फोरहेड, और वो फोरहेड से धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी में आपको रिफ्लेक्ट दे रही है. आपकी आईज, आपके हैंड्स, आपका पूरा पोस्चर, आपके पूरे पैर, आपकी पीठ, आपके पैर, हर जगह ये पिंक लाइट जा रही है. और ये पिंक लाइट उन सारे इश्यूज़ को, जो एक बहुत बड़े चैलेंज हैं, जो एक बहुत बड़े हर्डल हैं, उसे आपके अंदर से निकाल रही है. जस्ट फील दैट एनर्जी, कि ये पिंक एनर्जी आपको, आपके अंदर एक प्यार, एक खुशी, एक एक्साइटमेंट को भर रही है. जस्ट इमेजिन दिस पिंक लाइट इज, यू नो, मेकिंग यू सो 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 पॉजिटिव. अपने उस चेहरे को विजुअलाइज करें जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. ये पिंक लाइट आपके उस हर एक नेगेटिव थॉट, एक उस हर एक नेगेटिव एंजाइटी को इस तरीके से बाहर निकाल रही है कि आपको एक खुशी के साथ भर रही है. जस्ट इमेजिन हर एक इंसान आपके खुशी को देखकर आपसे पूछ रहा है कि क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों हो, इतना एक्साइटमेंट कैसे है तुम्हारे अंदर. और आप उनको यही बोल रहे हो, ये ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया मेरी हर एक ख्वाहिश, मेरी हर एक इच्छा को पूरी कर रही है. ये ब्रह्मांड मेरी हर एक बोली हुई बात को पूरा कर रहे हैं. मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी हर एक सोची हुई बात, हर बोली हुई इच्छा आज ब्रह्मांड पूरी कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन योर हैप्पीनेस राइट नाउ, कि जो खुशी आप डिज़ायर कर रहे हो वो चीज़ आपको आज एक्साइटमेंट से, हैप्पीनेस से भर रही है. यू आर वेरी लकी दैट यू आर रिसीविंग दिस पिंक लाइट, जो आपकी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ चमत्कार से आज पूरा कर रही है. हर एक इंसान आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है, हर एक इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस बोल रहा है. और ये कंग्रेचुलेशंस उस चीज़ का है जिस चीज़ की खुशी आप महसूस कर रहे हो. वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका करियर हो सकता है, वो आपकी कोई दिली ख्वाहिश होती है, बट आज ये पिंक लाइट आपको खुशियों से भर रही है. वैसे आप इस खुशी में बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो. माता रानी करे, भगवान करे कि आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी हर एक खुशी का ध्यान रखने के लिए, मेरी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि आप मेरी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का इतना ध्यान देते हैं. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स. नाउ इनहेल करिए आप सब लोग, एक्सहेल करिए. 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 आपको इस खुशी की नज़र ना लगे,
अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। सो कैसा लगा आपको, कैसा लगा इस मेडिटेशन को करके, क्या फील कर रहे हो आप? अंदर से एक सेंस ऑफ होप आ रही है, अंदर से यूनिवर्स आपको एक सपोर्ट दे रहे हैं, तो खुश हो जाओ, ये मेडिटेशन आपके लिए सक्सेसफुल रहा है। अगर आप चाहें तो फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आप खुद पर ध्यान दोगे, जितना आप खुद पर वर्क करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतनी जल्दी काम करेगा, आपको चीज़ों का सक्सेस उतनी जल्दी मिलने लग जाएगा, और जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो रही है, फील हो रही है, वो इस मेडिटेशन के थ्रू धीरे धीरे हट जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, हर एक इंसान की एनर्जी अलग होती है, कुछ लोगों को जल्दी भी रिजल्ट मिल सकता है, कुछ लोगों को समय भी लग सकता है। तो आप पॉजिटिविटी के साथ ऐसे करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही और बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। राधे राधे।